You're a superhero. घटना है उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है। एक तो तड़ित क्या होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है कि रगड़ द्वारा आवेशन, और तीसरा आता है आवेशों के प्रकार कौन कौन से हैं, और एक आता है आवेशों का स्थानांतरण। ये इस पाठ में जो बुक है आपके पास, अपनी बुक देख लीजिए, उसमें ये मुख्य हेडिंग है और जिनके बारे में बात करेंगे हम आपको कि तड़ित क्या है, ठीक है ना। तड़ित क्या है और ये बताया कि रगड़ तलतो तड़ित, बिजली के बारे में बताया था कल हमने कि जैसे हम घर पर देखते हैं बिजली के तार होते हैं और बिजली के तार आपस में टकराते हैं तो उनसे चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्किंग होती है। ऐसे ही आसमान में जब बिजली आपको चमक बिजली चमक दिखाई देती है तो कहते हैं ये बिजली है, बहुत तेज चमक के भर आवाज आती है, आप कहते हैं ये बिजली है, बिजली कहीं गिर रही होगी। तो ये स्पार्किंग कैसे होती है बताया, जो आवेशित कण है वो आपस में टकराते हैं और जिसके कारण स्पार्किंग होती है। अभी बताएंगे, थोड़ी देर में आप देखते चलिए। इसको हमने कहा ये देखिए, हम बालों में जब कंघा रगड़ते हैं, जब बालों में कंघा रगड़ते हैं सूखे बालों में, तो वह ये कागज के टुकड़े हैं, इनके पास लाते हैं कंघे को, तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए ये आकर्षित करता है, तो हमने कहा ये कंघा आवेशित हो जाता है, ये कंघा आवेशित होता है और ये बालों में रगड़ने से इसमें आवेश उत्पन्न होता है और हम कहते हैं ये इसमें आवेश आ गया, एक तरह का विद्युत आवेश पैदा हो गया है और ये अपनी वस्तुओं को खींच, कागज के टुकड़ों को खींचता है। देखिए तो अब आवेश के प्रकार बताएंगे और एक अन्योन्य क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। देखते चलिए ये पाठ में है और ये देखिए गुब्बारे, हमने दो गुब्बारे लिए हैं, अब इन गुब्बारों को अगर आपस में रगड़ा जाए या तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या हाथ से गुब्बारे रगड़ते हैं तो इनमें अन्योन्य क्रिया होती है, तो इसको हमने कहा ये अन्योन्य क्रिया है। हाँ देखिए, इनमें बताया इन गुब्बारों रगड़ने से इनमें आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश, और ये धनावेश उत्पन्न होता है, ये पॉजिटिव चार्जेज है, धनावेश उत्पन्न होता है, हमें दिखाई देता है। और आगे हम पढ़ते चलेंगे, अब ऐसी उन्होंने किया, एक इसमें बीकर में प्रयोग किया है और इसमें एक रॉड पड़ी हुई है, दूसरी रॉड है, स्पर्श करते हैं तो बताया उन्होंने वह एक पर छू जाती है, इसको हमने कहा ये, जिसको हमने गुब्बारे को लेकर आते हैं इसके पास, तो गुब्बारे बुलाते हैं तो ये छड़ एक ओर हट जाती है, तो हमने कहा ये इसके कारण है, इसमें आवेश पैदा हुआ है और ये सजातीय एक ही प्रकार के आवेश। तो बताया जब हम जैसे गुब्बारे बताया आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक जैसा आवेश उत्पन्न होता है, अभी धनावेश होता है और सजातीय आवेश, पर एक ही प्रकार के आवेश है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब दूसरे को आकर्षित करते हैं, माने धन धन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज है, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्स करेंगे और जो है अगर नेगेटिव चार्जेज है आपस में एक दूसरे के प्रति, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये हमने बताया आपको। आगे हम देखते हैं कि इसमें ये हमने एक बोतल में एल्युमिनियम की पतली पत्ती ली है, एक बोतल है और बोतल में हमने ये इसमें एक बार डाला है, ये एल्युमिनियम की पत्ती हमने जोड़ के लगा रखी है। आगे देखते हैं इसमें किस तरह से ये आवेशित होंगी, कैसे कार्य करती है। देखिए ये इसमें हमने इसको स्पर्श कराया
तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज ऋणावेश ऋणावेश उत्पन्न हुआ। इस हमने रॉड को इसमें स्पर्श कराया तो ये ऋणावेश उत्पन्न होता है, ये हमने देखा भी। और ये तो बताया जब ऋणावेश आया तो जो पत्तियां थी वो पत्तियां आपस में इनमें समान आवेश होने के कारण इनके बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है, खुल जाती है, वो दूर दूर हो जाती है। देखे पहले हमने देखा ये पास पास है, अब जैसे ही हमने आवेश हमने इसमें ये धनावेश हमने प्रवाहित किया यहाँ पर, ये रॉड में धनावेश प्रवाहित किया यहाँ पर और यहाँ पर ऋणावेश प्रवाहित किया है। तो मैंने बताया जब समान आवेश इन पत्तियों में आया है, इन पत्तियों में समान आवेश प्रवाहित हुआ है, एल्यूमिनियम की जो पत्ती हमने बनाई है और उसमें ये जैसे ही एक जैसा आवेश में आता है तो वो आपस में एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो हमने कहा ऐसा समान आवेश होने के कारण है, ये सजातीय आवेश है। अब एक आता है विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। हमने कहा ये विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये तड़ित या विद्युत के बारे में बताया और बताया बादलों में आवेश के एकत्र होने से क्या होता है, तड़ित या विद्युत पैदा होती है। बताया उसमें आवेश पैदा हो जाते हैं उसके बादलों के कणों में तो उससे बिजली पैदा होती है। आगे चलते हैं, आगे बताएंगे आपको ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। देखिए ये बताया बादल है, बादल है, बादलों का एक रूप ये दिखाई देता है। जब आसमान में बादल होते हैं, वर्षा होने वाली होती है तो उसमें बादल एक ये आप बादल ये है ऊपर वाले नीचे दो, एक तो बादल की लेयर ऊपर है, ये बादलों की लेयर ऊपर है, हमने कहा ये इन पर धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक बादलों की लेयर नीचे है ये नेगेटिव चार्ज है। माने उसमें आवेश उत्पन्न होता है बादलों में, तो बादल जो लेयर जो तैर रहे हैं आसमान में जो बादल तैर रहे हैं तो ऊंचाई वाले जो बादल हैं उनमें धनावेश है और निचले वाले जो बादल हैं उनमें ऋणावेश। देखिए तो बताया ये धनावेश और ऋणावेश, हमने कहा ये ऊपर धनावेश है और नीचे ऋणावेश है। हाँ, तो देखिए ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है हमें धनावेश दिखाई दे रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है ऋणावेश दिखाई दे रहे हैं, और धनावेश और ऋणावेश जो इसके कण है ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जो कण है वो जैसे ही आपस में मिलते हैं तो बताया धन ऋण ये दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं और स्पार्किंग शुरू हो जाती है, स्पार्किंग शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, चमक पैदा होती है, घर्षण पैदा होता है। जब धन और ऋण इलेक्ट्रॉन वाले या धन मतलब धन पॉजिटिव प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण है, जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है, ये इससे विद्युत उत्पन्न होती है, चमक पैदा होती है और चमक पैदा होते ही गड़गड़ाहट की आवाज आती है और फिर वो हमें नीचे की ओर इसकी जो बिजली की जो धाराएं है ठीक है ना वो नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई देती है। तो हमने कहा ये नीचे मकान बने हुए हैं, ये मकान है बिल्डिंग है, ऊपर वर्षा जैसे होने वाली होती है, वर्षा शुरू हो जाती है तो इस तरह से धन और ऋण आवेश मिलते हैं, टकराते हैं और उनमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वो विद्युत धारा नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आती है। अब ये बिल्डिंग बनी हुई है, अब मान लो बिल्डिंग पर गिरती है तो बिल्डिंग के बचाव के तरीके बताएंगे अभी कि जैसे मकान होते हैं उनमें ये रॉड दिखाई दे रही है हमें, इस मकान में ये भवन है रॉड दिखाई दे रही है, 3 फुट ऊंची रॉड है, लोहे की रॉड है और इसको कहते हैं ये तड़ित मतलब विद्युत से बचाने का तरीका है।